रात में खिलने वाले खुशबूदार फूल रजनीगंधा या निशिगंधा, जैसा कि इसका नाम है, रजनी का अर्थ है रात, गंध का मतलब है खुशबू। ये फूल रात में खिलते हैं, खिलते ही चारों तरफ खुशबू बिखेर देते हैं। इंग्लिश में ये ट्यूबरोज नाम से जाने जाते हैं। ये सुनहरी शाम और खिलते हुए रजनीगंधा के फूल। इन्हीं फूलों के साथ आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्नेह, नमस्कार। सफ़ेद रंग के ये फूल गुच्छों में खिलते हैं। पौधे बल्ब से उगाए जाते हैं। मौसम आने पर फूलों की स्टिक निकलती है। फूल एक एक करके खिलते रहते हैं। खिलने का मौसम जून से नवंबर तक रहता है। बल्ब लगाने का सही समय फरवरी मार्च है, जबकि हल्की गर्मी शुरू होती है। रजनीगंधा के पौधे लगाकर उसमें अच्छे फूल पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। इनके बल्ब आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। नर्सरी से भी इन्हें खरीदा जा सकता है। आप चाहें तो इनके पौधे भी खरीद सकते हैं। बल्ब खरीदने के लिए सबसे ज़रूरी बात है, बल्ब हेल्दी होने चाहिए, जिसमें कि दाग लगे हुए ना हो। बल्ब अगर बड़े होंगे तो उसमें फूल जल्दी आएंगे। छोटे बल्ब में फूल आने में टाइम लग सकता है। बल्ब में अगर दाग लगा होगा तो उसमें जल्दी ही फंगस लग सकती है, जिससे कि पौधे तैयार नहीं होते। एक साल पहले के अगर बल्ब हैं तो उन्हें भी रिपोर्ट किया जा सकता है। मेरे पास पिछले साल के कुछ बल्ब थे। स्प्रिंग सीजन में इन्हें मैंने रिपोर्ट किया था। 6-7 बल्ब मैंने एक पॉट में लगाए हैं। इनके बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। एक बल्ब से दूसरे बल्ब के बीच की दूरी 1 इंच या 1.5 इंच रखेंगे। रजनीगंधा के पौधे लगाने के लिए सही पॉट का सिलेक्शन भी ज़रूरी है। इन पौधों की जड़ ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए पॉट भी ज़्यादा गहरे नहीं लेंगे। मैंने प्लास्टिक का पॉट लिया है, जिसकी ऊपर की चौड़ाई करीब 8 इंच है। 6-7 बल्ब इसमें आसानी से आ सकते हैं। इन्हें लगाने के लिए मिट्टी का पॉट भी लिया जा सकता है। जितने बल्ब लगाने हों उसके हिसाब से पॉट बड़ा या छोटा किया जा सकता है। बल्ब की जितनी ऊंचाई है उसे उतना ही मिट्टी में दबाएंगे। मिट्टी के अंदर बल्ब 1.5-2 इंच गहरे रहते हैं। इनके ऊपर का भाग मिट्टी के बाहर दिखाई देता रहना चाहिए। ज़्यादा गहरा लगाने से बल्ब खराब हो सकते हैं या तो उसमें पौधे नहीं निकल पाएंगे। लगाने के बाद बल्ब को मिट्टी से ढक देंगे। जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वो भाग खुला रखेंगे। पौधे लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है उसकी मिट्टी हेल्दी होनी चाहिए। जो मिट्टी मैंने तैयार की है उसमें 3 भाग गार्डन की नॉर्मल सॉयल है और 1 भाग सड़ी हुई पत्तियों की खाद है। काउ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी ली जा सकती है। इसे रेतीली मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी अगर रेतीली नहीं है 10-20% रेत मिलाई जा सकती है। रेत मिलाने से मिट्टी में पानी नहीं रुकता है, लेकिन मिट्टी में नमी और ठंडक बनी रहती है। मिट्टी में 2-3 मुट्ठी नीम की खली मिला देना चाहिए। नीम की खली अगर नहीं है उसकी जगह पर फंगिसाइड 1 या 2 ग्राम मिलाया जा सकता है। बल्ब लगाना हो या पौधों को रिपोर्ट करना हो, मिट्टी अगर फ्रेश मिलती है तो ज़्यादा हेल्दी होती है। यूज़ की हुई मिट्टी को
तीन चार दिन धूप में फैलाकर सुखाने के बाद काम में लाया जा सकता है। मिट्टी के बाद बात आती है पानी देने की। बल्ब लगाने के बाद एक बार इतना पानी देंगे कि गमले के नीचे से पानी निकल जाए। इससे मिट्टी भी पूरी तरह से सेट हो जाती है। गर्मी के पौधे हैं, इसलिए रोज़ एक बार पानी देना ज़रूरी होता है। ज़रूरत पड़ने पर दोनों टाइम पानी दिया जा सकता है। मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए, पूरी तरह से मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। बरसात शुरू होने पर बारिश का पानी ही काफ़ी होता है, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फूल अच्छे खिलें, इसके लिए धूप की भी ज़रूरत होती है। पौधों को बढ़ने के लिए 5-6 घंटे की धूप चाहिए। दोपहर की 2-3 घंटे की तेज़ धूप से इसे बचाएंगे। इन्हें ऐसी जगह रखेंगे जहां से धूप हल्की छन कर आती हो। किसी बड़े पेड़ की छाया में भी इन्हें रख सकते हैं। तेज़ धूप से इसकी पत्तियां जल सकती हैं और पौधे ख़राब हो सकते हैं। पौधे लगाने के 2-2.5 महीने के बाद मई महीने में 1-2 बार हल्की हल्की बारिश हुई, जिससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई। पत्तियों की लंबाई तेज़ी से बढ़ी, कुछ पत्तियां नई भी निकल आईं। ज़्यादा बड़ी पत्तियों की ऊपर से 2-3 इंच की कटिंग कर दी है। इससे मिट्टी में एनर्जी ज़्यादा बचेगी, वो बल्ब को मिलेगी, बल्ब मजबूत होंगे और फूलों की स्टिक जल्दी आएंगी। पौधे लगाने के बाद 15 दिन या 1 महीने में इसमें खाद डालते रहेंगे तो फूल जल्दी आएंगे और हेल्दी होंगे। ऑर्गेनिक खाद यूज़ करनी है तो 20 दिन या 1 महीने के बाद 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट डाली जा सकती है। केमिकल खाद यूज़ करने के लिए NPK के 8-10 दाने मिट्टी के अंदर गमले के किनारे किनारे डाले जा सकते हैं। खाद डालने के बाद पानी अच्छी तरह से देना चाहिए, नहीं तो पौधों के जल जाने का डर होता है। 1-2 ग्राम NPK 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों के ऊपर स्प्रे करेंगे या इसे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। NPK डालने से बल्ब की, पत्तियों की और फूलों की तीनों की ग्रोथ अच्छी होती है। 1 महीने बाद दोबारा फिर से खाद डालेंगे, जिसमें पोटाश और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होगी। इसके लिए बोन मील पाउडर 1-2 चम्मच और केले के सूखे हुए छिलके का पाउडर 2-3 चम्मच डाला जा सकता है। केमिकल खाद के लिए सिंगल सुपर फास्फेट और पोटाश 1/2 चम्मच डालना भी अच्छा होता है। पॉट बड़ा या छोटा होने पर खाद की मात्रा कम या ज़्यादा की जा सकती है। जून महीने में ही इन पौधों में फ्लावर की स्टिक आ गई हैं। पानी भी काफ़ी बरसने लगा है, मौसम अच्छा हो गया है, पत्तियां काफ़ी हरी और हेल्दी हो गई हैं। स्टिक निकलने के 10-15 दिन के बाद इसमें कलियां और फूल आते हैं। स्टिक को बढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है। कलियां और फूल आने के बाद खाद डालना कम कर देना चाहिए। बरसात के मौसम में फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे 15-15 दिन के बाद करेंगे। 1 लीटर पानी में 1-2 ग्राम फंगिसाइड और 2-3 बूंद इंसेक्टिसाइड जैसे कि साफ और इमिडाक्लोरोपीड डाली जा सकती है। इस मौसम में पौधों को फंगस से भी बचाने की ज़रूरत होती है और पत्तियों को भी कीड़े मकोड़े काट सकते हैं। फूलों के स्टिक जब 1-1.5 फीट लंबी हो जाती है तो उन्हें काटा भी जा सकता है। ये कट फ्लावर हैं, इन्हें काटकर फ्लावर पॉट में कमरे के अंदर भी रखा जाता है।
फूलों की स्टिक पानी में भी 8-10 दिन तक रखी जा सकती है। पानी रोज़ बदलते रहेंगे, एक एक करके कलियां खिलती जाती हैं। जो फूल सूखते हैं उन्हें हटा देना चाहिए, ताज़ी कलियां फिर से खिलती रहती हैं। शाम के समय पॉट को भी कमरे के अंदर रखा जा सकता है। फूलों की स्टिक अगर हम काट लेते हैं, गमले में जल्दी ही नए फूलों की स्टिक आने लगती हैं। फूल खिलने का मौसम जब ख़त्म हो जाता है, नवंबर महीने में इसकी पत्तियां सूखकर पीली पड़ जाती हैं, जिन्हें काट देना चाहिए। बल्ब को निकाल कर भी रखा जा सकता है, या तो फिर उसी गमले में या रेत में रख कर हम उसे अगले साल के लिए छोड़ देंगे। मौसम आने पर इन बल्ब को फिर से लगाया जा सकता है। कैसे लगे मेरे रजनीगंधा के पौधे बताइएगा। इन्हीं फूलों की तरह ढेर सारी खुशियाँ आप सभी के घर आंगन में सदैव महकती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी नई जानकारी के साथ।